सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। Hi guys, I am Priyanka and now we are a family of 1 million. Thank you so much guys for all your love and support and now it's time for celebration. तो आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात सुबह और शाम मेरा फेवरेट फूड. So come on, let's get started. ग्रैंड वेलकम गाइस. सो मैं आ गई हूँ ITC राजपुताना और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मेरा फेवरेट फूड चैलेंज. तो चलिए चैलेंज शुरू करने से पहले मैं आपको अपना रूम तो दिखा दूँ. आइए, वेलकम टू माई स्वीट गाइस एंड जस्ट हैव अ लुक. Isn't this beautiful and spacious? And now just look at my bed. Isn't this gorgeous? And this even has a customized pillow with my name on it. I'm really happy by the sweet gesture by ITC. And चलो भाई अब शुरू करते हैं अपना चैलेंज. और ये जो चैलेंज है ना वो मैं शुरू कर रही हूँ शाम से जो अगले दिन दोपहर तक चलेगा. तो चले अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना स्नैक टाइम. सेलिब्रेशन टाइम है गाइस. तो स्नैक टाइम में ना भाई मैं मेरा फेवरेट फूड खाने वाली हूँ जो कि है डिजर्ट. तो यहाँ पे मेरे पास है दो केक. ये जो पहला केक है ना ये मैं खुद लेकर आई थी और ये है फ्रूट केक जिसमें मैंने एडिबल 1 million भी लिखवाया है. उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक ITC की तरफ से केक दिया गया है वो भी फ्रूट केक है. उसे देखो ये यूट्यूब का बटन भी बना है. और साथ ही में है यहाँ पे मेरे पास जयपुर के फेमस मोतीचूर के लड्डू. तो चलिए भाई अब बारी है केक कटिंग की. चलिए भाई अब काटते हैं. आप लोगों को कोई सॉन्ग वॉन्ग गा रहा है तो आप गा लीजिए क्योंकि बर्थडे सॉन्ग तो इसमें नहीं गा सकते. आइए आइए पास आइए दिखाइए केक काटते हुए. वैसे इन्होंने फ्रूट जो लगाए अच्छे हैं पर मुझे पपीता पसंद नहीं है कुछ. आए बाबा, अरे बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा ही सॉफ्ट है गाइस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. वैसे ये जो पहला बाइट है वो आप सबके लिए क्योंकि आज जो सेलिब्रेशन मैं कर रही हूँ ना भाई वो आप लोगों की वजह से तो कर रही हूँ. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है जहाँ मुझे 1 million तक पहुँचाया उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. अब चलिए आप लोगों ने केक खा लिया ना, आई थिंक खा ही लिया होगा. अब भाई मेरी बारी भी तो है, मेरा चैलेंज भी तो चल रहा है. भूख बहुत लग रही है. ये केक सचमुच बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है सचमुच भाई. वैसे तो यहाँ पे बड़ा सारा केक है मेरे पास, मैं और मेरी टीम ना मिल के खाएंगे. और क्योंकि स्नैक टाइम में मैं सिर्फ केक ही खाने वाली हूँ ना तो आई थिंक काफ़ी सारा केक खा लूँगी मैं. सो गाइस डिनर के लिए मैं इतनी लेट हो गई हूँ पता है. केक काटने के बाद मैं सीधे सो गई थी और अब लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख. तो चलिए चलते हैं इनके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पेशावरी में और बताती हूँ कि क्या स्पेशल खाने वाली हो डिनर पे. आजा आजा. सो गाइस यहाँ पे मेरा डिनर जो है लग चुका है. चलिए देखिए भाई क्या क्या मंगाया है. ये देखिए गाइस यहाँ पे जो स्टार्टर्स हैं वो सारे तंदूरी स्टार्टर्स हैं. ये है तंदूरी आलू, तंदूरी फ्लावर, ये है तंदूरी पनीर और ये ना इनका तंदूरी सैलड. इसमें पाइन एप्पल, कैप्सिकम, अनियन और बहुत चीज़ें हैं. साथ ही में ये देखिए, आए हाय क्या ये दाल बुखारा है, ये देख रहे हो बहुत ही मज़ेदार लग रही है. ये है पनीर कुर्चन एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सैलड नहीं है, ये है रायता. और साथ में यहाँ पे मैंने मंगाया है ये दिख रहा है पुदीना पराठा. देखो देखो कितना बढ़िया लच्छेदार है ये. एंड एक और चीज़ यहाँ पे ना पेशावरी के अंदर आपको कटलरीज नहीं दी जाती, आपको सारा खाना अपने हाथों से खाना पड़ता है. इसलिए यहाँ पे देते हैं ये नैपकिन नहीं है गाइस, ये है
पूरी की पूरी एप्रन जो आप पहन के खाना खाइए, क्योंकि क्या होता है जब हाथ से खाना खा रहे हैं ना तो कई लोग भाई खाना अपनी ड्रेस पे गिरा लेते हैं। मैं नहीं गिराऊंगी क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े हूँ, वैसे बड़े लोग भी गिराते, पर मैं ये एप्रन नहीं पहन रही हूँ, मुझे अपनी ड्रेस अच्छी लग रही है। आज सारा खाना हाथ से खा रही हूँ। जो लोग बोलते हैं ना आप हाथ नहीं यूज करते हैं, आज देखिए सब हाथ से खाऊंगी। इसमें थोड़ी सी चटनी लगा लेती हूँ, चटनी भी दी है भाई इन्होंने, थोड़ी लगा रही, ज़्यादा नहीं। बहुत बढ़िया है एक्चुअली, जो चटनी है ना मिंट चटनी है, दिस इज रियली गुड। अब भाई मेन कोर्स अपना खा ले, स्टार्टर में धीरे धीरे खाती रहूँगी, आपको भी तो दिखाना है। तंदूरी पराठा जिसके ऊपर डला है ढेर सारा पुदीना, ये खाऊंगी यहाँ की दाल। बताती हूँ क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। ओए ओए ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव, इतने पराठा बहुत अच्छा है, प्लस ये जो दाल बुखारा है ना, आई टेल यू, ये दाल मखनी है जो आपको सब जगह मिलती है, पर ये जो दाल बुखारा है ये सिर्फ आपको ITC में ही मिलेगी। इतनी थिक, जिसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ऐसे इतनी थिक, और ये जो इसके ऊपर इन्होंने घी डाला है ना देसी घी, आए हाय क्या गजब का स्वाद है, सचमुच मज़ा आ गया है खा के। तो चलिए अब मैं जल्दी से ये सब करती हूँ फिनिश, और आपको मिलूँगी कहाँ, सीधे रूम में। सो गाइज, अब डिनर खाने के बाद भाई मैं आ गई हूँ मेरे रूम में, इन बलून्स के बीच में, और पूरे बेड पे ना गोल्डन कलर के बलून्स हैं, क्योंकि 1 मिलियन पूरे हुए हैं, तो गोल्डन कलर भाई मेरा फेवरेट है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो मेरा चैनल है ना प्रियंका तिवारी, ये मैंने स्टार्ट करा था 3 साल पहले, और जैसा कि सबके साथ होता है शुरू शुरू में मेरे वीडियोज बिल्कुल भी नहीं चलते थे, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, बट फिर जो मेरा ब्रेक थ्रू था ना वो मुझे मिला था बिगेस्ट थाली से, वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, यू वोंट बिलीव गाइस, कि रातों रात हफ्ते दर हफ्ते मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ने लगे कि मैं इतनी जल्दी 1 लाख पहुंच गई, दैट आई डिडंट रियलाइज। ओ माय गॉड, सो थैंक यू सो मच निशान चावला, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट वीडियो वॉज पॉसिबल, सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट पे। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स डे 2 ऑफ माय फेवरेट फूड चैलेंज, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, एंड हाँ लंच का वेट करना क्योंकि लंच होने वाला है बहुत ही ग्रैंड, तो अब जल्दी से चलती हूँ भाई ब्रेकफास्ट कर लूँ, कहीं ख़त्म नहीं हो जाए, मैं ऑलरेडी ना थोड़ी लेट हूँ, आ जाऊँ। सो गाइस, दिस इज जल महल, और यहाँ पे लगता है ब्रेकफास्ट बुफे, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि बुफे में मैं क्या खाने वाली हूँ। सो गाइज, ब्रेकफास्ट में ना जनरली घर में मुझे चाय पोहा और उपमा खाना पसंद है, बट जब बुफे में आती हूँ तो पता है मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, सो जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है मसाला डोसा, इसके साथ दी गई है पीनट चटनी, टमेटो चटनी, कोकोनट चटनी विथ सांभर, और साथ में है यहाँ फिल्टर कॉफ़ी। वैसे पता है सुबह सुबह डोसा बनाना इतना मुश्किल होता है कि भाई हमारे घर में तो नहीं बनता है, तो इसीलिए बुफे के अंदर मुझे पर्सनली साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। एंड सेलिब्रेशन टाइम है तो मुँह मीठा कैसे नहीं करूँगी, मुँह मीठा करना तो बनता है, तो यहाँ पे है मेरे पास वॉफल, दीज आर स्वीट वॉफल, और उसके साथ इन्होंने मुझे दिया है वाइट चॉकलेट, मेल्टेड बटर, दिस इज चॉकलेट गनाश, डार्क चॉकलेट एंड मेपल सिरप, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है बेरी कंपोट विद दीज लिटिल लिटिल गोल्डन ब्लू बेरीज। आई एम सो एक्साइटेड, पता मेरा मन क्या कर रहा है कि पहले मैं ना डिज़र्ट खा लूँ, बट चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस में चलूँगी, तो चलो भाई डोसे से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब डोसा खाएंगे। मुझे टमेटो चटनी पसंद है तो इसको लगाती हूँ पहले। पता यहाँ का जो शेफ़ है ना वो साउथ इंडियन है, दिस इज़ रियली रियली गुड। अब बारी आई है ये कांटे छुरी की ये वॉफल खाने की, तो चलो भाई पहले इसमें ज़रा ये सारी चीज़ों को ट्रिप करते हैं। आइए आइए पास आइए, दिखाइए, ओ हो ये गया मेपल सिरप, हाय हाय यार मेपल सिरप बहुत अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा बटर भी डाल देती हूँ, वैसे बटर थोड़ा ही डालती हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया गाइस। अब इसको और अच्छा से सजाती हूँ, ये देखिए, हाँ 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 क्या बात है, थोड़े डाल दो, इतनी सारी दी है तो डाल ही देती हूँ, ये तो चिपक गई, ये तो चिपक गई गाइस, ये तो चिपक गई, निकलिए निकलिए कोई बात नहीं, अब बारी आई इसको खाने की। ओके गलत हाथों में पकड़ रही थी चलिए भाई कटिए,
फ्रेश बनाया है पता है ये। ओ माय गॉड, पता है ये जो फ्रेश वॉफल की स्मेल होती है ना, हाय हाय, जो वॉफल खाते हैं वो मुझसे कोरिलेट कर सकते हैं कितनी गजब की होती है। इन्हें बनाया बड़ा अच्छा है, प्लस ये जो बेरी कॉम्पोट दिया ना उन्होंने, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लव दिस। चलिए भाई अब जो है जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। सो गाइज, ये जो 1 मिलियन की जर्नी रही है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आई वुड रियली थैंक माई फैमिली फॉर बींग देयर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक शुगर श्वेता फ्रॉम शुगर स्पाइस नाइस, बिकॉज आई हैव सीन द डेडिकेशन, द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क शी पुट्स इन, आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। एंड माई फ्रेंड अभिमन्यु एंड नेथन वर देयर विद मी इन माई नैनीताल ट्रिप एंड इन माई बैंकॉक ट्रिप, थैंक यू गाइज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई टीम Viraj and Parul Modi from Ban Maska Communication, thank you so much for being part of my journey, and you guys are awesome. Seriously, you guys are awesome. Without you, I think I wouldn't be able to reach 1 million. So thank you so much everyone. It's lunch time guys, aur maine bola tha na mera lunch bahut hi zyada grand hone wala hai, so दिस इज़ माई महाराजा थाल, और ये देख रहे हो कितना बड़ा थाल है, ओ माई गॉड। सो अब मैं आपको बताती हूँ इस थाल में आपको क्या क्या मिलता है, सो आइए। सो ये है पापड़ पनीर की सब्ज़ी, ये आलू प्याज, ये है गट्टा करी, ये है चक्की की सब्ज़ी, ये है केर सांगरी, साथ में है रायता सैलेड, और भाई ये मुझे बहुत पसंद है गार्लिक चटनी, एंड ये 3 राजस्थान की शान है दाल बाटी चूरमा, साथ में है मुंगौरी के पुलाव, और स्टार्टर्स में है आपके पास सूले का पनीर, और ये है बाजरा की टिक्की, एंड डिज़र्ट्स में 3 डिज़र्ट्स हैं गाइस, यहाँ पे है मालपुआ, ये है मलाई घेवर, और ये है मोतीचूर का लड्डू। ओह, आई एम सो एक्साइटेड टू ईट ऑल ऑफ दिस। वैसे राजस्थान का खाना है तो सबसे पहले खाऊंगी राजस्थान की शान दाल बाटी चूरमा। ये देखिए यहाँ पे है मेरे पास एक गर्मा गर्म बाटी, चलिए भाई इसको तोड़ते हैं। अरे वाह, बड़ी मुलायम है। ओहो ओहो, ये मसाला बाटी है और इसके अंदर काजू और मेरे फेवरेट मटर भी है। आप जानते हो ना मटर मुझे कितने पसंद है, तो चलिए भाई अब इसको जो है मैं थोड़ा छोटे 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 तोड़ के दाल में डालती हूँ ताकि खाने में आसानी हो। वैसे पता है दाल बाटी खाने का असली तरीका क्या है, लोग इसको चूर चूर के घी डाल के खाते हैं, घी में ऑलरेडी डूबी हुई है तो मैं और इसमें घी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, सफाई से खाऊंगी गाइस, मैं इसको बिल्कुल भी तहस नहस नहीं करूंगी। ओके ये बहुत गजब का है, पता है ये जो मसाला बाटी है ना, इसका जो मसाला है ना वो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जनरली मैं खाती हूँ ना मसाला बाटी में इतना ज्यादा मसाला भर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे एक और तरीका है बाटी खाने का जो मुझे पर्सनली पसंद है, ये जो बाटी है ना इसको मैं डिप करूँगी ये अपनी गार्लिक चटनी में। ये देखिए आहा आहा आहा, लाल लाल चटनी सुहानी लग रही है एकदम। ओह माय गॉड, ये गार्लिक चटनी बहुत तीखी है गाइस, अरे बाबा। हाँ ये डिजर्ट खा लेती हूँ मैं ली भाई, ये है मालपुआ, मुझे बहुत पसंद है मालपुआ। अरे चम्मच से तो कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं पूरा हाथ से उठा के खा लेती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और इसके अंदर इन्होंने, मैं देख रही हूँ, ड्राई फ्रूट भी भरे हुए हैं भाई, दिस इज सीरियसली गुड भाई, दाल बाटी खा के मज़ा आ गया। तो गाइस राजस्थानी खाने में ना एक और चीज़ है जो मेरी फेवरेट है, वो है ये है गाइस केर सांगरी, और देख रहे हैं क्या रेड चिली से इसको इन्होंने डेकोरेट किया है भाई। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि ये केर सांगरी ना सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है खाने को, बाहर कहीं राजस्थानी थाली खाती हूँ ना वहाँ नहीं देते हैं केर सांगरी। पता है
इन्होंने इसको अचारी मसाले के साथ टॉस करा है एंड मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है भाई। ये थाली तो मैं धीरे धीरे ख़त्म कर लूँगी, अगर नहीं कर पाई ना तो ये जो पीछे है ना ये मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, बट अभी मेरा मन डिज़र्ट खाने का, और आपको पता ना डिज़र्ट मेरी कोई कितनी फेवरेट है। तो यहाँ पे भाई मैं खाने वाली हूँ ये गेवर, देखे देखे वैसे तो ये आपको जो है बर्फी की तरह लग रहा होगा पर है ये मलाई गेवर। देखिए उठा के दिखाती हूँ, ये देखो भाई ये बर्फी नहीं है, ये है मलाई का गेवर। ये देखो गेवर दिखा, आहा बड़ा मजा आने वाला है इसको खा के। राजस्थान में और गेवर ना खाया ऐसा नहीं हो सकता। ओ माय गॉड दिस इज सो गुड। अब मैं जो अपनी थाली धीरे धीरे खत्म करूंगी और आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, और अगर ये मेरा फेवरेट फूड चैलेंज अच्छा लगा जहाँ पे मैंने अपना 1 मिलियन सेलिब्रेशन भी किया, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, और अब मैं आपको लूँगी अगले वीडियो में। बाय।